हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका पहले चित्र बना हुआ है, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, ए जे बराबर 50 सेंटीमीटर है, धारा मापी में विक्षेप नहीं होता है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यही तो है आपका, ठीक है। अब देखिए, मीटर से तो पढ़ा होगा, व्हीट स्टोन से तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बस इसी को सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले फिगर को समझो आप लोग। यहाँ पर हमें उसका एक मिनट, अब देखो आप लोग, यहाँ पर हमें दिया गया है 10 ओम, यहाँ पे आर का मान निकालना है। कह रहा है कि चित्र में मीटर सेतु के तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये मीटर तार सेतु लगा हुआ है, जो ये इसकी लंबाई आपको दे रखी है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर टोटल, ए जी 50 सेंटीमीटर जो कि लगी हुई यहाँ पर, टच कर देखते हैं कहाँ पे संतुलन अवस्था में होगा, तो ये आपको दे रखी है यहाँ पर 50, यहाँ से लेकर और ये जे तक, यदि देखिए आपको 50 सेमी, कहाँ तक, यहाँ तक, क्लियर। अब आप लोग हमें ये बताइए, देखिए ए बी टोटल है तार, मीटर ब्रिज के तार की लंबाई टोटल है 80 सेंटीमीटर, अगर ये 50 है तो ये कितनी बचेगी, आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर, 30 ही तो बचेगी बस। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, जब कोई विक्षेप नहीं होता है इसका मतलब ये संतुलित अवस्था में है, तो यहाँ पे हमें आर का मान निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो देखिए आर के मान के लिए आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत लगाएंगे हम यहाँ पर, सिर्फ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, सेतु, इसमें चार प्रतिरोध होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध नहीं दिया गया, ये मीटर सेतु के लिए यूज करेंगे इसको हम, तो लिखेंगे देखिए आपने पढ़ा होगा कि पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, ध्यान कीजिए आप लोग, व्हीट स्टोन सेतु में जहाँ पर पी क्यू आर जो होते हैं वो तीन ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एस होता है अज्ञात, उसको निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मीटर सेतु है तो यहाँ पर देखो लिखेंगे इसको हम लोग, यहाँ पर ये 10 ओम का दिया गया है तो लिखेंगे 10 ओम बटे आर, आर लिख देंगे, ठीक है, इसका रेशियो लिख देंगे बराबर ये लंबाई का, ये 50 और बटे 30, बस इसको सॉल्व करना है आपको यहाँ पर, तो 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर देंगे इसका इसमें, तो 10 बटे आर बराबर हो जाएगा 5 बटे 3, 3 दशमलव 30 बराबर 5 आर, 5 4 बराबर हो जाएगा 30, आर का मान निकालेंगे तो जाएगा 30 बटे 5 और 5 छक्का 30, तो आर आपका आ जाएगा 6 ओम, क्या जाएगा आपका 6 ओम। तो आप लोग समझ गए आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया सिर्फ आर का मान कितना आया आपका, आर का मान आपका आ गया है 6 ओम, ठीक है। तो और जो भी इस टाइप के सवाल होंगे, लेकिन ध्यान रखना ये कंडीशन कब होती है, जब सेतु संतुलित अवस्था में होता है, ठीक है, जब सेतु संतुलित अवस्था में होता है, ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, और आपको दे रखी होगी, देखिए यहाँ पर दे दिया गया कि मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर, टोटल 80, देखिए ये भी तार की लंबाई है ये, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों ने मीटर सेतु देखा भी हो, आपको प्रैक्टिकल जब कराए जाते हैं स्कूल में तो वहाँ पे दिखाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है कि मीटर सेतु से ये कब सुई लगाई लगा के देखी जाती है कि विक्षेप हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा बिंदु मिलता है जहाँ पर विक्षेप नहीं होता है सुई में, ये जी लगा हुआ है, ये क्या है, एक गैल्वेनोमीटर आपका है, ठीक है, इसी में सुई लगी होती है इस प्रकार से, इसके अंदर एक सुई होती है, ठीक है। अब जब हम लगाते हैं, जब ये जॉकी से इसको मतलब तार में टच कराते हैं, तो ये विक्षेपित होती है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये विक्षेपित नहीं होती है, तो बस वही होती है संतुलित अवस्था, तो ये संतुलित अवस्था में ही कंडीशन होती है, ठीक है, और तभी आपका ये सवाल लगता है। तो आप सिर्फ चित्र को देख के मत डरिएगा, सवाल बहुत छोटा सा होता है, सिंपल सा होता है, आराम से लगा सकते हैं, ओके। वीडियो समझ में आया हो, सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर।